तो यार बहुत दिनों से मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि गैज मेरे साथ टाइम का लोचा बहुत ही ख़राब है। मेरा टाइम परफॉर्मेंस बहुत ही बैड है। तो गैज मुझे आज कुछ टाइम मिला है वीडियो को अपलोड करने का। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप वार्म एप्स में किस तरह आप रीस्टार्ट सर्विस का ऑप्शन आप अलाउ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ताकि आप वार्म एप्स में आसानी से फोटो डॉक्यूमेंट वीडियो वगैरह आप रिकवर कर सकते हो। पर आपको सबसे पहले अपना एंड्रॉयड फोन में वार्म एप्स को ओपन लेना। ओपन करने बाद यहां पर आप देख सकते हो येलो कलर के बैकग्राउंड में आपको रीस्टार्ट सर्विस करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आपको क्लिक करना है रीस्टार्ट पर। क्लिक करने बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, आपको अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ टाइम लगेगा अलाउ करने का। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अलाउ कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप इस तरह से इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रिक। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड ट्रिक, क्योंकि अगर एक ट्रिक वर्क करे एक ट्रिक वर्क ना करे तो भी आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर भी आपको लगभग सेम प्रोसेस से चलना है। आपको सेकेंड टाइम वार्म एप्स को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने बाद आप ऊपर की तरफ देख सकते हो आपको रेड कलर का एक एरो देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहां पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको नीचे की तरफ एक सेलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको क्लिक करके आप अपना जो भी फोन को यूज करते हो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपका कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। तो यार आप लोग इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप एक बार क्लियर डाटा करके देख लो या फिर अनइंस्टॉल करके आप फिर से लॉगिन करके भी आप ट्राई कर सकते हो। आप इसी तरह से आप रीस्टार्ट सर्विस का ऑप्शन आप अलाउ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। तो गाइस चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।